फिर उसके दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अंदर की ओर और देखते हैं किस तरह से माँ की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं इस समय में पंडाल में कितनी भीड़ लग चुकी है। भक्त लगातार आ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। विजयादशमी का दिन है। असत्य पर सत्य की जीत, भगवान राम की जीत को हम सेलिब्रेट करते हैं। रावण के अहंकार और घमंड का अंत हुआ था और आज दशमी के दिन रानी बाजार कटरास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ऐसे तो शाम नहीं हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो वक्त निकाल कर माँ के दर्शन के लिए पहुँचे हैं और एक बड़ी भव्य प्रतिमा जिससे लोग जुड़ पा रहे हैं, सौभाग्य की कामना कर रहे हैं। रानी बाजार में काफ़ी स्पेस के साथ पंडाल का निर्माण किया गया है। डिज्नीलैंड पर इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क किया गया है और आसपास झूले लगे हैं। भीड़ जो है खचाखच पंडाल में लगने लगी है, आने लगी है। वैसे तो कलश की यहाँ पर भी विसर्जन कर दी जा चुकी है, लेकिन अभी प्रतिमा जो है प्रतिमा विसर्जित नहीं हुई है। मैं तस्वीरें छोड़कर जा रही हूँ, आप जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है कटरास का पंडाल। जो छत पर आप देख रहे हैं झूमर के साथ जो सजावट है वो भी काफ़ी जुदा है, अलग है। यह वैसी कुछ आर्टिफिशियल कढ़ाई तो नहीं की गई है जैसा अन्य पंडाल में है, लेकिन भव्यता के कारण लोगों की पसंद बन चुकी है ये पंडाल। डिज्नीलैंड की थीम जो है वो बच्चों को तो पसंद आती ही है, लेकिन आप देख रहे हैं भीड़ ये जो नज़ारा है ये काफ़ी अलग है, जुदा है। वक्त निकाल कर लोग पहुँचने लगे हैं। झूले भी हैं, वो भी अभी लगातार चल रहे हैं। बच्चों की भीड़ लग रही है और तरह तरह के झूले। एक और तारामाची है, एक और तारामाची है तो दूसरी और ग्रीन का झूला। गाड़ी, बच्चों वाली गाड़ी है और गोट वाली भी है, साथ में कुछ मारुति सर्कस और इधर गाड़ी के रूप में ही जो झूले हैं वो काफ़ी अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। रानी बाजार में डिज्नीलैंड का जो थीम है, जो स्पेस है पंडाल के निर्माण का, वो काफ़ी अधिक बड़ा है, जिस कारण लोग आराम से घूम पा रहे हैं। जरूर बताइएगा क्या आप कटरास पहुँच कर पंडाल देखना स्टार्ट कर चुके हैं और कौन सा पंडाल आपकी पसंद का है।